आज यहाँ सऊदी के अंदर ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं अल हासा हफूफ, जो कि एक सऊदी का हिस्टोरिकल सिटी है। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि ये किस लिए फेमस है और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ चलिए और आपको दिखाते हैं कि अल हासा की क्या क्या खासियत है। तो जी, हम पहुँच चुके हैं अल हासा। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों साइडों पे खजूर के बाग नज़र आ रहे हैं डेट्स के, क्योंकि इसकी मेन जो स्पेशलिटी है सऊदी के अल हासा सिटी की, वो ये है कि ये मेन जो डेट्स प्रोड्यूसर सिटी है हासा का, और सबसे मेन एक्सपोर्टर सिटी भी इसको कहा जाता है, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं डेट्स आउट ऑफ द कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसकी डेट्स जाती हैं। और ये जो मेन हमारा मेन पॉइंट है, हम पहुंच चुके हैं। ये पॉइंट है आपका जी अलकुरा माउंटेंस, ठीक है। ये बेसिकली बेस करते हैं अलतवाथीर और अलकुरा विलेज के बीच में, सेंटर में, और सिटी का नेम है अल हासा, जो कि ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया में मौजूद है। और अभी हम लोग क्योंकि खुबर से आए हैं, अल खुबर सिटी है हमारा, तो अल खुबर से अल हासा तक का डिस्टेंस अराउंड 160 किलोमीटर हमें पड़ा है। तो यहाँ अभी हम लोग सबसे पहले इनके म्यूज़ियम में जाएंगे, उसके बाद अलकुरा माउंटेंस जो इनकी केव्स हैं उनके अंदर जाएंगे। बेसिकली इनकी हिस्ट्री हमारे डिफरेंट अंबिया कराम असहाबे कराम से मिलती है, और इसके बाद डिफरेंट कबीले आके यहाँ पे बसते रहे। यहाँ पे गार में ये जो केव्स हैं यहाँ पे रहते थे। फिर उसके बाद इन केव्स को डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, कुछ वेडिंग के लिए, देन कुछ पार्टीज़ वगैरह फंक्शन के लिए, फिर टूरिज्म के लिए और हाइकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अभी इसको हाइकिंग का जो मेन जो इनका जो डे है वो है फ्राइडे का। फ्राइडे वाले दिन इसको हाइकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ओपन किया जाता है। और आइए चलते हैं, आपको बताते हैं इसका कितना टिकट है और बाकी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम विज़िट कर सकते हैं। लेट्स सी। ये पहला टूरिस्ट प्लेस है जी हमारा, ये अल हासा म्यूज़ियम। इसकी बैक साइड पे है जबल अलकरा, जो कि मेन इनका टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे केव्स वगैरह हैं। तो पहले चलते हैं म्यूज़ियम में, तो देखते हैं जी। ये इनके पुराने महल, वो कुएं बने हुए हैं शायद, जस्ट एक मॉडल बनाया हुआ है, एक्चुअल में नहीं है। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट अभी भी इनका ऐसा ही होता है नॉर्मली, ये जहाँ बैठते हैं ना, ये जैसे ये वाला है सऊदियों में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तमाम ये तो हमारे दौर में भी होते थे ये वाले, टेप रेडियो टीवी। हाँ, अभी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक नई पाकिस्तान।
हिस्ट्री बन जाएगी। चेन में फॉर सेल भी रखा भाई, 100 रियाल के, 100 रियाल के एक पीस। लेकिन ये सब मेरे ख्याल हैंडमेड है।